हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। चैप्टर 16 कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, सेक्शन 205 डेफिनेशन। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मीन्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द लैंड इन अ विलेज सो एज टू अलॉट टू द भूमि स्वामी कंटिन्यूस प्लॉट्स ऑफ लैंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कल्टिवेशन। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में खातों की चकबंदी, अब ये क्यों करी जाती है? इसको करने के पीछे वजह ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसान है जो कि कल्टीवेशन कर रहा है और उसकी दो ज़मीनें हैं और दोनों ज़मीन अलग अलग जगह पर है, तो यहाँ पर उसको दो ज़मीनों का ध्यान रखना पड़ेगा, दो बार कल्टीवेशन करना पड़ेगा, उसकी मेहनत बढ़ जाएगी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के थ्रू वो जो व्यक्ति है जो कि भूमि स्वामी है उसको कंटिन्यूस प्लॉट्स दिलाए जाते हैं ताकि उसको कल्टीवेशन के समय आसानी हो। कंसोलिडेशन ऑफिसर मीन्स अ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ तहसीलदार अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ कंसोलिडेशन ऑफिसर अंडर दिस कोड। कंसोलिडेशन ऑफिसर वह रेवेन्यू ऑफिसर होता है जिसकी रैंक तहसीलदार से नीचे की नहीं होती है। जो कंसोलिडेशन ऑफिसर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ताकि वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में उन पावर को एक्सरसाइज कर सके, उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके जो कि एक कंसोलिडेशन ऑफिसर की होती है इस कोड के अंदर। सेक्शन 206 इनिशिएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स। Any two or more Bhumi Swamis in a village holding together not less than the minimum area of land prescribed by the rules made under Section 221 may apply in writing stating such particulars as may be prescribed by rules made under Section 221 to the consolidation officer for the consolidation of their holdings. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, दो फार्मर्स हैं, उनकी एक एक ज़मीनें एक दूसरे के आसपास है और दूसरी ज़मीनें भी एक दूसरे की ज़मीन के आसपास है, पर वो चाहते हैं कि उनकी जो ज़मीन है वो एक साथ हो जाए दोनों की। तो यहाँ पर वो दोनों इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि वो अपनी ज़मीन जो है वो दूसरे व्यक्ति को दे देंगे ताकि दोनों को कंटिन्यूस प्लॉट्स मिल सकें, तो यहाँ पर वो कंसोलिडेशन करवाते हैं। ऐसे दो या दो से ज़्यादा भूमि स्वामी जिनके पास एक ज़मीन है विलेज में और जो एरिया है उस ज़मीन का वो सेक्शन 221 में जो एरिया प्रिस्क्राइब्ड है उतना है या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा भूमि स्वामी अप्लाई कर सकते हैं कंसोलिडेशन के लिए राइटिंग में। यहाँ पर जो भी भूमि स्वामी कंसोलिडेशन करवाना चाहते हैं उनको उन पर्टिकुलर्स को बताना होगा, जैसे कि रूल्स जो देकर रखे हैं सेक्शन 221 में उसमें दिया गया है। यहाँ पर जो रिटर्न एप्लीकेशन है और जो भी पर्टिकुलर्स हैं ये सारे उन्हें सबमिट करने होंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर को। द कलेक्टर मे ऑफ हिज ओन मोशन डायरेक्ट द कंसोलिडेशन ऑफिसर टू मेक एन इंक्वायरी इनटू फीजिबिलिटी ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इन एनी विलेज। यहाँ पर यह भी किया जा सकता है कि अगर कलेक्टर को ऐसा सही लगता है तो वो खुद क्या कर सकते हैं, वो कंसोलिडेशन ऑफिसर को कह सकते हैं कि आप जाकर इंक्वायरी करिए कि आपके विलेज के अंदर क्या कंसोलिडेशन की जा सकती है, और अगर ऐसा हो सकता है तो ये बेनिफिशियल रहेगा सारे गांव वालों के लिए कि उनको कंटिन्यूस ज़मीन दे दी जा सकेगी। इफ़ 2/3 ऑफ द भूमि स्वामीज इन अ विलेज अप्लाई फॉर कंसोलिडेशन ऑफ देयर होल्डिंग्स और इफ इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी इनटू एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, 2/3 ऑफ द भूमि स्वामीज ऑफ द विलेज मेक एन एप्लीकेशन अग्रींग टू द कंसोलिडेशन ऑफ देयर होल्डिंग्स, सच एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द भूमि स्वामीज ऑफ द विलेज। अगर कभी ऐसा होता है कि गांव में रहने वाले टोटल भूमि स्वामी में से 2/3 भूमि स्वामी तैयार हो जाते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के लिए, या फिर जब कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा इंक्वायरी करी जाती है तो उसमें पता पड़ता है कि जो 2/3 भूमि स्वामीज है वो अग्री कर जाते हैं इस बात के लिए कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की जानी चाहिए, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की जो एप्लीकेशन है वो पूरे गाँव की तरफ से दी गई है। अगर 2/3 भूमि स्वामीज अपनी सहमति दे देते हैं इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि सारे भूमि स्वामी ने अपनी सहमति दे दी है। इफ़ इन अ केस फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 3 एनी स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इज कन्फर्म्ड इट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द भूमि स्वामीज ऑफ द विलेज एंड ऑन एनी पर्सन हु मे सब्सिक्वेंटली बी एंटाइटेड टू होल्ड और ऑक्यूपाई द लैंड।
अगर जैसे कि हमने सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 206 में अभी पढ़ा, अगर एक बार ऐसा हो जाता है कि जो स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है वो कंफर्म हो जाती है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बाइंडिंग होगा सारे भूमि स्वामीज के ऊपर जो भी विलेज में रहते हैं। एक बार जब स्कीम कंफर्म हो जाती है तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए भी बाइंडिंग होगी जो कि सब्सिक्वेंटली एंटाइटल होगा उस लैंड को होल्ड करने के लिए या फिर उस लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए। इन एनी अदर केस इफ एनी स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स इज कन्फर्म्ड, इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स एंड दोज हु हैव अग्रीड टू द कंसोलिडेशन ऑफ देयर होल्डिंग्स एंड ऑन एनी पर्सन हु मे सब्सिक्वेंटली बी एंटाइटल्ड टू होल्ड और ऑक्यूपाई द लैंड अफेक्टेड बाय द स्कीम। जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 206 में पढ़ा, अगर दो या दो से ज़्यादा भूमि स्वामी ऐसा चाहते हैं कि उनकी होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन करवाया जाए, तो यहाँ पर अगर एक बार उनके कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को कंफर्म कर दिया जाता है तो ये बाइंडिंग हो जाएगी एप्लीकेंट्स के ऊपर। ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि कंसोलिडेशन करवा रहे हैं और एक बार ये कंफर्म हो जाती है तो ये एप्लीकेंट्स के ऊपर तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग बाइंडिंग तो होगा ही होगा, पर इसके साथ में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि सब्सिक्वेंटली उस लैंड को होल्ड कर रहा है या फिर ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये जो स्कीम है ये आने वाले व्यक्ति के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। सेक्शन 207 रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। If on receipt of any such application or at any stage of the proceedings thereon there appears to be good and sufficient reason for disallowing the application or for excluding the case of any applicant from any consolidation, the consolidation officer may submit the application to the collector with a recommendation that the application be rejected in whole or in part or that the proceedings be quashed. The collector on receipt of the recommendation may accept it and pass orders accordingly or may order further inquiry. जैसे ही कंसोलिडेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन मिलती है या फिर उसे ऐसा लगता है प्रोसीडिंग्स के दौरान कि यहाँ पर कोई अच्छा और सफिशेंट रीज़न है जिससे इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ करना चाहिए या फिर जो एप्लीकेंट का केस है उसके अंदर कंसोलिडेशन नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे समय पर जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकेंगे कलेक्टर को इस रिकमेंडेशन के साथ में कि जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर कंप्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए या तो उसके किसी पार्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए। जो कलेक्टर है उनको जैसे ही ऐसी रिकमेंडेशन मिलती है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लें और उसके हिसाब से ही ऑर्डर्स को पास कर दें या फिर वो ऐसा भी कर सकेंगे कि वो फर्दर इंक्वायरी करवा सकेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जिसके अंदर हमने कवर करा सेक्शन 205, सेक्शन 206 और सेक्शन 207 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड।